ナイス。बहुत बढ़िया ठीक है चलेगा इसी में स्लाइड ले ले इसी में इमेज लगा हुआ है इसी में स्लाइड ले ले सेम शॉट कट करके कर दो हाँ कट थोड़ा फोकस आगे ले एयरबेंड पे ले एयरबेंड पे ले ओके एक सेकेंड बस ये आप वापस यहाँ तक ले आइए एयरबैग वापस ठीक है आप पूरा ले ले इनफैक्ट ठीक है तेरे पास और ले सकते हो ठीक है मैं पूरा ही कर लेता हूँ काट दूंगा मैं बट मूवमेंट सेम रहती है कितना ठीक था ना ये लेने वाले क्लोज में देखो जो डायमंड कट है ना वो समझ में आना चाहिए कि डायमंड कट है थोड़ा एक रोल है ओके मैनुअल मैनुअल पे कर देता हूं ओके रोलिंग है कर रहा हूं स्टार्ट एयरबैग उल्टा ले जाओ वापस आ जाना चाहिए मैं ऑटो पे बहुत कम काम करता हूँ फोकस पे दरवाजा
कट कट सेकंड का वेट, फिर खुद ही ओपन कर देना आप। ओपन कर दो। ठीक है, एक बार और। हाँ, एक बार और। ठीक है। और बोलेंगे 20-30 सेकंड बोलोगे, 1 मिनट बोलोगे। कोई ऊपर लाइट नहीं है ना, ये सिर्फ सामने सामने पैनल है। ओके ओके, नाइस। जैसे तेरे को लगे कलर रिपीट हो रहे हैं तेरे में। मजेंटा नोटिस कर लिया मैं, फिर नोट कर लूँगा। मजेंटा कौन सा कलर होता है? स्टार्ट। 1, 2, 3 स्टार्ट। गलत हो गया, गलत हो गया। दोबारा से रोलिंग है, चल रहा है। कंटिन्यू है, कंटिन्यू है। डन। हाँ जी, ये सर कंटिन्यू रोलिंग है। आप चेंज अपने हिसाब से टाइम टाइम लेके करते रहना। थोड़ा थोड़ा हर एक फंक्शन के बीच में गैप दो दो, हाँ, दो से, ताकि कट लगे। ओके करूं? हाँ जी, ये भी अच्छा था। ठीक है, नाइस। काट दे, काट दूं, कट कर दूं। ये इसी में, ये देखता हूँ मैं एक बार इसमें क्या है। अब ये भी ले ले तो ये एक बार दोबारा से करना, ठीक है? कि बीच में आपकी उंगली ऐसे, मतलब
अच्छा थोड़ा स्टे देना है। हाँ मतलब आपने थोड़ा वैसे झिझक के उसे दबाया था ना, समझ एकदम स्मूथली लाना है। समझ गया, दोबारा कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, चलो दोबारा से कर दो। हुआ ये फंक्शन कंप्लीट। डन। हाँ जी इतना ही हुआ, हो गया। चलो ये इसी पर खोलेंगे। रोलिंग है। हाँ जी, हाँ जी रोलिंग। काटना नहीं। ठीक है, डन। हाँ काट दे। स्टॉप होने दो। हो गया अभी, एक सेकेंड स्टॉप हो गया। हाँ अभी हम करेंगे सनरूफ पे क्लिक। ठीक है ठीक है। हाँ रेडी, एक मिनट एक मिनट, एम्बिएंट लाइटिंग ऑन करूंगा मैं। ठीक अभी एम्बिएंट लाइटिंग करते हैं। ठीक है तो एक बार शुरू से करना है, शुरू से करते हैं फिर सनरूफ से चालू करते हैं। ठीक है, सेटिंग्स पे दोबारा से जाके आप एग्जैक्ट यही पेज खोलना। ठीक है ओके। हाँ चलो रोलिंग है। मेरे को ये 40 पे लेना है अभी। ठीक है दोबारा लेंगे। ठीक है 40 पे लेना मैंने। ओके ओके रोलिंग है। अब 30 पे लेना है एक, और एक पूरा लूंगा। ठीक है कंटिन्यू है। ये गलत हो गया, नहीं दोबारा से करते हैं। रोलिंग है कंटिन्यू है। ठीक है बस सिर्फ मैं अभी ओपन पे क्लिक करूंगा। ठीक है और वहां ओपन एक बार हाईलाइट हो जाएगा, उसके बाद काट सकता है। ठीक है ओपन हाईलाइट होगा। डन। और अब पूरा क्लोज करूंगा मैं। ठीक है अब वेंट करूंगा एक बार। ठीक है डन, आगे चलें। हाँ कंटिन्यू है रोड। हो गया। आगे
और आगे ठीक है और डन ये हुआ कंटिन्यू काट दे एक बार काट दे बस दरवाजा बंद कर दे अभी से ऐसे रखना दरवाजा बंद कर दे अब पीछे वाला गेट ऑन कर खोल पीछे वाला गेट ऑन खोल चारों गेट खोल दे बूट खोल दो अपने हाथ से नीचे से वहां राइट में देख बटन चारों गेट चारों खुल गए चारों का बटन होगा एक बटन दबा दियो चारों खुल गए ये दोबारा लेना पड़ेगा शेक आ रहा है बंद कर दो बंद कर दो सारे तो गेट खुलने बंद होने पे आएगा ही शेक नहीं वो वैसे थोड़ा सा वाइब्रेट कर गया ठीक है ये अपना इसके अंदर ना मैं क्या कर रहा हूँ अभी अरे वो कुछ हुआ इसमें हाँ ओके या ब्रो एम्बिएंट लाइटिंग तो इसमें भी एक काम कर इसमें ना चारों मोड दे दे ब्रेक प्रेस करके रखियो ब्रेक प्रेस करके ना अच्छा बस ठीक है तो इसमें चारों मोड ले ले पी है आर है एन है डी है और एस है ठीक है अब ये मुदिन ले लेगा और एक इको मोड भी ले लेना इसके अंदर सामने इको भी आएगा नहीं आ रहा ठीक है बस ये ले ले चलो रोलिंग है रोलिंग है हाँ फोकस चेक कर लिया हाँ जी स्टीयरिंग पे अभी हाँ ठीक है ओके जा जितना जा इस इतना ही जा सकते ठीक है ओके एक बार वापस से और ले 2 3 स्टार्ट शार्प हाँ पक्का एक बार और लेते सेफ शार्प आया वो शार्प आया